हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बना रहे हैं करेले की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं गांव के तरीके से। तो कोई बोलते हैं कि करेला तीता लगता है, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये बिल्कुल ही तीता। देखिए, उसको हम इस तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे सारे को। और इसके लिए इधर देखिए, मेरा ये फ्राई किया हुआ हो चुका है, दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। और इसके लिए ये है मसाले। तो चलिए, थोड़ा सा बचा हुआ है उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम ग्रेवी डाल के अच्छे से बना लेंगे और ये गांव के तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी हो जाएंगे। तो चलिए, उसको अब निकाल लेते हैं। उसके लिए मेरा मसाला भी तैयार हो चुका है। और इधर देखिए, मेरी बेटी और बेटा दोनों खा रही है। मेरा बेटा ताली बजा रहा है। क्या कर रहा बाबू? ताली बजाता है बेटा, ताली बजा। और ये ताली बजा रही है और मेरी बेटी खा रही है। तो चलिए, उसको हम फ्राई होने देते हैं। आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो एक बार ज़रूर चेक करके देखिएगा, इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं लगते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा सारा फ्राई किया हुआ हो चुका था और सबको निकाल दिए हैं। और मेरा इधर प्याज भी कटिंग हो चुका है। तो चलिए, प्याज को डाल देते हैं। तब हम थोड़ा इसमें नमक डाल के इसको 2 मिनट तक पकने देते हैं। तो देखिए, इसको हम कितना अच्छे से फ्राई किए हैं और दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी इसका हम ग्रेवी के लिए उधर प्याज को कढ़ाई में डाल दिए थे। इसके लिए ये है मसाला, अदरक लहसुन और लाल मिर्च और क्या बोलते हैं, गोल वाला मरीच और ज़ीरा। बस इतना ही मसाले में ये बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं। गाँव में तो ज़्यादा मसाला हम लोग यूज नहीं करते हैं, यही सब काफ़ी है और इसमें ही बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो चलिए, उधर देखिए मेरा प्याज अभी नहीं पका है, थोड़ा देर इसको और पकने देते हैं। और उधर देखिए, मेरा बेटा कहाँ चला गया। आ बाबू, क्या कर रहा बेटा? कहाँ गया था रे? उधर गया था बाबू। तभी वो आ रहा है और तंग करेगा। तो चलिए, इसमें अब ये हो चुका है 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, इसको 2 मिनट तक और पकने देंगे। तो देखिए, मेरा प्याज पक चुका है और इसमें हम अब मसाले को घोल बना रहे हैं। इसको घोल बना के डाल देंगे। तो इसमें है हल्दी, तो अभी ये सूखा था, ये घोल बन के तैयार था, इसको अभी हम डाल दिए हैं। चलिए, अच्छे मसाले को अच्छी तरह से भून लेते हैं। ये अब देख सकते हैं कि दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। लकड़ी बहुत तंग करता है, बारिश हुआ था, भीग गया है, अभी ये अच्छे से नहीं जल्दी जल्दी हो पा रहा है। सूखा रहता तो शायद जल्दी लहरता और जल्दी जल्दी हो जाता, इसीलिए थोड़ा लेट हो रहा है। तो मसाले अब मेरा तेल छोड़ना स्टार्ट कर चुका है। तो चलिए, इसको एक बार हिला देते हैं ताकि मसाले जले ना। तो देखिए, मेरा मसाला अच्छे से भुना गया था। अब उसमें ग्रेवी के लिए अपने अनुसार पानी डाल दिए और नमक भी हम मसाले में ही डाल दिए थे। तो देखिए दोस्तों, मेरा ग्रेवी उबल चुका था और इसको अभी फ्राई किए थे तो उसको हम डाल दिए। ये मेरा अब बन के तैयार हो गया है। तो ज़रूर बताइएगा आप लोग कि मेरे गाँव के तरीके से आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। तो चलिए, और लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।